हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। आज बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैं भी कुछ दिनों से नहीं, बहुत महीनों से पहले नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था कि यार क्या ये चीज़ मेरे लिए, ये चीज़ है कि नहीं है। मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा था अपने लिए कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं। और मुझे डेफिनेशन मिली है, मुझे पता चला है कि कुछ हफ्ते पहले कि हाँ यार ये चीज़ सही है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपनी YouTube फैमिली से शेयर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे वो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा वेट आपके लिए जिम के अंदर सही है। हर एक्सरसाइज में कैसे डिफाइन करोगे आप, बिल्कुल सिंपल लॉजिक में हम लोग आज बात करेंगे। एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिल्कुल वीडियो में घुसते हैं। एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने बिगनर्स, मतलब दोनों ही मेन एंड वुमेन को लिया था अपने रिसर्च के लिए। एंड उनको क्या किया, बहुत सारी सीरीज़ ऑफ मूव, मतलब सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करवाया। एंड बस एक ही चीज़ उनसे कह दी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपना वेट खुद चूज़ करेंगे कि आप कितना वेट उठाओगे, आप जाके खुद चूज़ करो। तो सबने चूज़ करा, सबने एक्सरसाइजेस की, और जब वो लोग अपने वन रेप मैक्स पे पहुंच गए, वन रेप मैक्स पे पहुंच गए, फेलियर टच करा, तो रिसर्चर्स ने ये पाया सब ने, मैन एंड ऑल्सो द वुमेन, टुक दैट वेट दैट कैन नॉट स्टिमुलेट दैट मसल इवन दैट मसल, वो मसल तक एक भी, जेट से वो बारबेल कर रहे थे तो वो बाइसेप, उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी वो वेट काफ़ी नहीं था। सबने ऐसा वेट चुना। सो हम लोग क्यों, इस रिसर्च से हमने क्या सीखा, इस रिसर्च से हमने ये सीखा, तो हम लोग क्यों डर रहे हैं, हम लोग के अंदर क्यों फियर है वेट को उठाने का। हाँ मुझे पता है कि आप लोग बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो वेट उठा ही लेते हैं, बिल्कुल उठा लेते हैं, मतलब भारी से भारी वेट उठाएंगे। आज जिम में गए तो अब कुछ भी उठा लूँगा, मैं 150 किलोज 200 किलोज उठाऊँगा डेडलिफ्ट में। बट क्या उसमें डर नहीं लगता? डर होता है, फियर ऑफ इंजरी होती है, फियर ऑफ मैनी थिंग्स होती है, फियर ऑफ इंजरी होती है, फियर ऑफ एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें के फियर होते हैं हमारे अंदर। तो इस फियर से क्या आपको लगता है कि कैसे निकला जाए? अगर वहीं पे उन मेन और वुमेन को ये पता होता कि मेरे लिए कितना वेट सही है, सो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा होता? नहीं, रिसर्चर्स में कोई ना कोई तो एक बंदा ज़रूर होता जिसको ये पता होता अगर कि हाँ मेरे लिए इतना वेट सही है, सो मैं इतना ही वेट उठाऊंगा और तब मैं अपने वन रेप मैक्स या फेलियर तक पहुँचूंगा। सो और इस फियर, उसके अंदर वो फियर नहीं होता। सो उसको जानने के लिए आज यही वीडियो आपकी, आप लोगों की मदद थोड़ी बहुत होप सो करेगी कि कैसे आप लोग जान सकते हो कि आपका वेट, आप कितना वेट उठाओ जो आपके लिए सही हो और आपको, मतलब कोई इंजरी भी ना हो और इंजरी कम से कम हो। एक फेमस स्पोक पर्सन थे अमेरिका के काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन में, जिनका नाम था क्रिस डोब्रो सिल्स की। उनका मानना था, उनका सजेशन था बिगनर्स को जो हेल्दी हैं, गुड हेल्थ है उनकी, उनको एक सजेशन था कि आप जब अपनी एक्सरसाइज चालू करो तो आप एक लाइट वेट और मॉडरेट वेट में जाओ, जब आप बिल्कुल एक न्यूली ब्रांड हो, न्यूली पर्सन हो तब, या आप पर उनका जो सजेशन उन लोग के लिए क्या था जो ऑर्थोपेडिक की सिम्टम्स के साथ हैं या बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं जिम के अंदर, बस एक कदम ही रखा, उनके लिए ये सजेशन था कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ बहुत ही लाइट वेट, वेरी लाइट वेट से स्टार्ट करें। यू डोंट हैव टू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ मॉडरेट वेट और हैवी वेट्स, नो, टेक अ लाइट वेट, वेरी लाइट वेट एंड स्टार्ट डूइंग, करेक्ट योर पोस्चर फर्स्ट एंड अपनी टेक्निक्स को, स्ट्रैटेजीज को सही से रखिए, देन स्केल अप, तब अपने स्केल को ऊपर रखिए।
सो इसी के साथ यहीं पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही तरीका आज मैं खुद को खुद पे इसको अप्लाई करके कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा, और उन स्टेप्स से ही आपको ये पता चल जाएगा कि वेट कितना वेट आपकी बॉडी उठा सकती है और आप उठा सकते हो एक अच्छे पोस्चर के साथ, एक अच्छी टेक्निक के साथ और एक अच्छी ग्रोथ ले आ सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही एकदम से उठाना है मुझे, बहुत ज़्यादा ही वेट शुरुआत में ही उठाएंगे और तभी हमारे मसल्स ब्रेक होंगे और हमारी मसल्स ग्रो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसी के कारण बहुत लोग जल्दी से जल्दी इंजर्ड होते हैं एंड उसके बाद फिर क्या होता है फिर मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो स्टेप में पढ़ते हैं और पहला स्टेप यहाँ पे आ रहा है। पहला स्टेप बहुत ही कॉमन स्टेप है। सो आगे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट जो आता है, पहला स्टेप है जो आपको लेना है वो है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लाइट वेट। इफ हियर इज अ कैच, इफ यू आर अ न्यूबी, इफ यू आर अ स्टार्टर एट द जिम, आपने पहली बार जाके पैर रखा है जिम के अंदर, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ अ लाइट वेट। टेक योर ईगो एंड बस्ट बस्ट आउटसाइड। अपनी ईगो को लीजिए और बाहर छोड़ के आइए। ईगो से बॉडी नहीं बनती या ईगो से आप फिट नहीं होते, आप फिट होते हैं डिसिप्लिन से और सही माइंडसेट से, सही टेक्निक से। सो ईगो को छोड़ के आइए और लाइट वेट्स को पकड़िए फर्स्ट थिंग। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अभी कोरोना चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन स्टे सेफ। लेकिन क्या पहले जब जिम्स सब क्लोज्ड थे, बहुत लोगों की बॉडी बिल्कुल ही गिर गई थी और बहुत लोग क्या, मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब हम लोग सभी थे, सब लोग जितने भी फिटनेस लोग कनेक्टेड थे वो फील कर सकते हैं कि क्या चीज़ थी वो फेस था, कि सब चीज़ें बंद हैं, आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो और उतना वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। बट जब जिम खुले, जैसे ही जिम खुले, सब लोग जिम की तरफ भागे एंड एवरीबडी ग्रैब हिज और हर वेट एंड विदाउट रियलाइजिंग कि कितना टाइम हो चुका है। यहीं पे एक कैच है कि आपको 20 डेज से अबव अगर हो गया है, 1 मंथ ऊपर हो गया है और आप फिर से रिज्यूम कर रहे हो अपनी एक्सरसाइज को, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इंजर्ड होने से अच्छा है कि आप सही टेक्निक के साथ टाइम लेके ग्रोथ लो। तो आप स्टार्ट करो लाइट वेट से, और बहुत लोगों ने उसी चक्कर में हैवी वेट जाते जाते शुरुआत में ही खुद को इंजर्ड कर लिया एंड देन दे गॉट इन टू अ ऑन द बेड। सो प्लीज़ ऐसा ना करें एंड लाइट वेट से चालू करें, ग्रैब करें, उससे अपनी ग्रोथ बढ़ाएं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट अपना जो है वो है कि ऑलवेज कीप द पॉस्चर राइट। पॉस्चर जो अपन आपका फॉर्म है वो बिगड़ना नहीं चाहिए आपकी कोई भी एक्सरसाइज के दौरान। कोई एक्सरसाइज करिए, अपने 100% पोस्चर को ध्यान रख के करिए कि मेरा पोस्चर नहीं जाना चाहिए, मुझे वेट मैं उठाऊंगा लेकिन मेरा पोस्चर डिफीट नहीं होना चाहिए मेरे वेट से। बिकॉज वेट को आपको कंट्रोल करना है, वेट को आपको कंट्रोल करना है, ना कि वेट आपको कंट्रोल करने लगे। अगर आप अगर वेट को कंट्रोल करते रहोगे देन यू आर सेफ, यू आर ऑन द सेफ साइड। बट जिस दिन वेट आपको कंट्रोल कर दिया उस दिन सब खत्म हो जाएगा, उस दिन बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाएगी। सो प्लीज़ 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 यू गॉट टू अंडरस्टैंड, अपने पोस्चर को डिफीट मत होने दीजिएगा अपने वेट से। यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिसाइड कर देगा कि हाँ यहाँ पे एक आपको अच्छा स्टेप मिल जाएगा कि हाँ मुझे पता चल गया कि मेरा जो वेट सेलेक्शन है, क्या मैं वेट सिलेक्शन सही कर रहा हूँ कि नहीं। ग्रैब करिए कोई भी वेट, जाके ग्रैब करिए कोई भी वेट एंड डू वन सेट एक्सपेरिमेंट करिए। आप एक सेट करिए, एक कोई भी एक्सरसाइज का या सारी एक्सरसाइज का एक एक सेट करिए और वेट अपने हिसाब से लीजिए, ग्रैब करिए और उस पर देखिए क्या आप 12-14 रेप्स को अचीव कर पा रहे हैं, 12-14 रेप्स को क्लियर कर पा रहे हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, 12-14 रेप्स को क्लियर कर रहे हैं, देन इट इज़ डैम श्योर कि वो वेट आपके लिए है। अगर वो वेट आप इतना नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में ही,
देन यू हैव टू लोअर दैट वेट, इट्स टू हैवी फॉर यू. फिर अब बात आती है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि वो ये है कि आपको प्रोग्रेशन के लिए, प्रोग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सच है कि आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा. आप और कुछ नहीं कर सकते, वेट आपको तो बढ़ाना ही पड़ेगा प्रोग्रेशन करनी है तो. और आप जिम जा रहे हो तो किसके लिए जा रहे हो? प्रोग्रेशन के लिए, राइट? प्रोग्रेसिव के लिए. तो आपको ओवरलोड तो डालना ही पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ है कि क्या मुझे कैसे पता चलेगा मैं कितना ओवरलोड डालूँ? यही चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी, राइट? अब यही चीज़ का सलूशन ये है कि जो आप 12 टू 14 रेप्स आप कर रहे थे उस कोई भी एक वेट के साथ, लेट से आप बारबेल कर रहे हैं 10 kgs के साथ, और 10 kgs पे आप 12th रैप आए, 12th रेपिटेशन पे जैसे ही आप आए, यू फील कि आपका पॉस्चर सही नहीं जा रहा है, पॉस्चर हिलने लगा है बहुत ज़्यादा, आप झूल रहे हो. तो आप अगर झूल रहे हो देन लोअर डाउन योर वेट. अगर आप झूल नहीं रहे हो, और आपको एक चीज़ बहुत बड़ा ये चीज़ होनी चाहिए कि 12th रैप, 12, 13, 14 रैप जो आखिरी के 2 to 3 रैप्स होते हैं, उसमें आपको ऐसा फील होना चाहिए मसल में कि यस आई कांट. मैं 14 रैप के बाद आप 15 रैप ना लगा पाओ. अगर आप 15 रैप लगा रहे हो देन इट्स समथिंग लाइक मॉडरेट वेट फॉर यू. आपके लिए वो एग्जैक्ट वेट नहीं है, क्योंकि आप 15, 16, 17 लगाए ले रहे हो बिना किसी लोड के, बिना पॉस्चर को लूज करें. अगर पॉस्चर लूज हो रहा है देन यू हैव टू लोअर डाउन योर वेट. एंड आपको ऐसा होना चाहिए कि 14 रेप के बाद आपका मसल बिल्कुल टियर हो जाना चाहिए, आपका फेलियर आना चाहिए. अगर आपका फेलियर आ रहा है देन दैट वेट इज मेंट फॉर यू. और इसके साथ अपने फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ लेते हैं, जो कि है कि लिसन टू योर बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड कीप योर ईगो आउटसाइड ऑफ द जिम. आपको अपने ईगो को घर छोड़ के आना होगा, कहीं ना कहीं छोड़ के आना होगा. ईगो को साथ में मत लेके चलिए. लिसन टू योर बॉडी कि वो आपको सबसे ज़्यादा सही डायरेक्शन देगी कि आप कितना वेट उठा सकते हो. वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहिए, वो अपना नुकसान नहीं चाहिए, राइट? सो आप किसी को देख के ये मत जज करो कि मुझे इतना वेट उठाना है, मैं इतना वेट क्यों नहीं उठा पा रहा. डोंट नॉट कंपेयर विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विद द ओल्डर वन ऑफ योर सेल्फ. अपने पुराने वक्त से, अपने पुराने वक्त से जो आप कल जितना आपने करा है पुट, उससे ज़्यादा आप पुट करो. इसको कहते हैं कंपेरिजन. ये नहीं कि वो कितना कर रहा है, कोई दूसरा है जो इतना वेट उठा रहा है, इतना काम कर रहा है, ओके फाइन. लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपका माइंडसेट अलग है. सो लिसन टू योर बॉडी एंड कीप योर ईगो आउटसाइड ऑफ द जिम, तभी आप ग्रो कर पाओगे. और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, लिसन टू योर बॉडी. एंड लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो ख़त्म होती है इसी के साथ. एंड होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस जो कि जिम जाते हैं, जो कि फिटनेस में हैं, और उनको भी पता लगे कि इंजर्ड होने से कैसे बचा जा सकता है कुछ स्टेप्स फॉलो करके. एंड राइट माइंडसेट के साथ इसको फॉलो करिए. एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि आज कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं. एंड लेट लास्ट मैं यही कहूँगा, डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, हिट दैट लाइक बटन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. देर इज़ एन इंस्टाग्राम हैंडल राइट हियर, डू फॉलो मी ऑन दैट. आई एम क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ रील्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ माइंड एंड मोटिवेटिंग ऑल्सो थ्रू माई फिटनेस जर्नी. एंड इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है. आखिरी में बस मैं यही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे. पीस.